यस रिवाइज कर रहे हैं। कौन सा एस? एस नंबर 29। क्या जिसका नाम है प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। तो तीन चीजों के बारे में बात की है मेजोरिटी। तो ये तीन चीजों में पहली जो चीज है प्रोविजंस, ठीक है। तो प्रोविजन होता क्या है सबसे पहले वो बताया है। प्रोविजन क्या है? लाइबिलिटी है जिसको एस्टिमेट करना पड़ता है क्योंकि कंफर्म नहीं है। तो एस्टिमेट करेंगे इसको और रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन रिकॉग्नाइज कब करेंगे दोस्तों? तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज करोगे। तीनों में से नहीं हुई कोई तो इसको क्या दिखा देंगे? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। जैसे आगे बात करते हैं इसकी। चलो तीन कंडीशन प्रोविजन के। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आउट ऑफ पास्ट इवेंट्स होना चाहिए। दूसरा, प्रोबेबल आउटफ्लो होना चाहिए ऑफ रिसोर्सेस एम्बॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस ईईबी एम्बॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए। और तीसरा, रिलायबल एस्टिमेट करते आना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीजें अगर है तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लो। प्रोविजन रिकॉग्नाइज मतलब क्या? उसका प्रोविजन बना दो पीएनएल के थ्रू, उसको लाइबिलिटी दिखा दो पीएनएल टू प्रोविजन। ओके, ये चीज करनी पड़ेगी। तो यहां पे पहले पॉइंट में जिसकी बात की थी क्या था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब क्या? तो ऑब्लिगेशन के केस में याद रखना, ऑब्लिगेशन मतलब क्या? हमारे हाथ में नहीं है, अवॉइड करना, ठीक है। अपना जेठे वाला एग्जाम्पल याद रखना। बापू जी ने हेयर कट करने भेजा है तो वो किए बिना घर नहीं आ सकता। तो भले वो मंडे हो, रस्ते में बैठ के कटिंग करूंगा, लेकिन करनी तो पड़ेगी, ठीक है। ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है तो पूरा करना पड़ेगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए आउट ऑफ पास्ट इवेंट्स, मतलब पीछे कुछ तुमने ऐसा किया है जिसके वजह से ऑब्लिगेशन आ गया है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गया है। फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, मतलब आगे जाके ये करना पड़ेगा, वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन बोलते हैं उसको आज। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। तो ऑब्लिगेशन को प्रेजेंट कब मानेंगे? अगर उसका आउटफ्लो प्रोबेबल, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो? 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा मोर लाइकली हो तो प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन 50% से कम प्रोबेबिलिटी हो आउटफ्लो की तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन। फिर मुझे पता नहीं है, पे भी करना पड़ सकता है, नहीं तो नहीं भी करना, पे करना पड़ सकता है। तो उस केस में अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। प्रोविजन के केस में सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन आए तो तुमको पहले ये तीनों कंडीशन लिखने पड़ेंगे एज पर एज 29। ये तीनों कंडीशन अगर है तो प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करना है, ये लिखना है बस, सिंपल। और कुछ नहीं लिखना है इस बारे में। तो नीचे वही बात करिए, पास्ट इवेंट क्या होता है? तो पास्ट इवेंट वही है जो पीछे होता है, मतलब पास्ट इवेंट्स की वजह से जो हुआ है उसके वजह से रिकॉग्नाइज करना है। फ्यूचर में कुछ करने वाले हो उसका रिकॉग्निशन आज नहीं करना है। आउटफ्लो प्रोबेबल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। यस, देखो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने जैसे बोला, मैंने लगभग जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे कवर किए हैं। एक बार शॉर्ट में वो भी बता देता हूँ। ऑयल कंपनी ने लैंड कंटेमिनेशन किया है, नया लॉ आया है जो रिक्वायर कर रहा है कि तुमने पीछे जो भी कंटेमिनेशन किया था वो सुधारना पड़ेगा। तो ऑब्लिगेशन आ गया, लॉ वर्चुअली सर्टन होते ही ऑब्लिगेशन आ गया, तो प्रोविजन बना दूंगा मैं लैंड ठीक करने की। फिर इसके बाद मैं सेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूँ, मुझे डिलीवर करना है सर्टन डेट तक। तो वो डेट पास में है और मुझे कंफर्म है कि मैं नहीं डिलीवर कर पाऊंगा, तो जो भी पेनल्टी भरनी पड़ेगी उसका प्रोविजन तुमको बनाना पड़ेगा। अगर ऑफशोर ऑयल फील्ड है, ऑयल फील्ड मतलब वो वहाँ पे मैं ऑयल रिग्स बनाता हूँ, तो मैंने अगर ऑयल रिग्स बना के रखे हैं तो ऑयल रिग्स ठीक करने का जो भी खर्चा है उसका प्रोविजन आज बनाना पड़ जाएगा। फिर गारंटी दी है मैंने किसी के लोन के बोरोइंग्स की, तो अगर वो नहीं भर पाया तो लोन मुझे भरना पड़ेगा। तो अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई तो प्रोबेबल हो गया कि मुझे पे करना पड़ जाएगा। प्रोबेबिलिटी आ गई तो तुम प्रोविजन बना दो, क्योंकि अभी लोन तुम्हें भरना पड़ सकता है। यूज फर्नेस इंस्टॉल किया है, यूज फर्नेस में लाइनिंग होती है जो 5-5 साल में बदलना है, तो अभी 5-5 साल में वो लाइनिंग बदलनी है। लेकिन ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, ये फ्यूचर का ऑब्लिगेशन है, ये बाद में आने वाला है, इसलिए इसका प्रोविजन आज नहीं बनाएंगे। सिमिलरली मशीन का कोई पार्ट रिप्लेस करना है तो उसका प्रोविजन नहीं बनाते हैं अपन, और वो लॉजिकल भी है। जो फ्यूचर में चीज करनी है उसका आज ही क्यों बना के रखूं मैं सब प्रोविजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट, किसी कॉम्पिटिटर कंपनी से डिस्प्यूट चालू है, लेकिन डायरेक्टर्स का कहना है ये कुछ क्लेम में दम ही नहीं है, ये क्लेम का कुछ मतलब ही नहीं है, तो उस केस में प्रोविजन नहीं बना होगा क्योंकि आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, ठीक है। प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। न्यू रेगुलेशन पास किया हेल्थ केयर मिनिस्ट्री ने कि फैसिलिटीज अपग्रेड करो,
31 मार्च 2021 तक, आज 31 मार्च 2020 है, लेकिन आज मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है तो आज प्रोविजन नहीं बनाऊंगा। अगर 31 मार्च 2021 तक मैंने नहीं किया अपग्रेड तो फिर लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर आ जाएगा, तब मैं बना दूंगा, लेकिन आज एक साल पहले मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। प्रोविजन में बस इतने एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, फिर कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? तो जब प्रोविजन नहीं बन पाया तब क्या बनेगा? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का डेफिनेशन दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले इसमें क्या बोला है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और दूसरे इसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लेकिन आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं था या तो रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब प्रोविजन नहीं बन पाया वो, इसलिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन गया। ठीक है, ये दोनों चीजें उसके डेफिनेशन में कवर की है। इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे वाला, रिकॉग्निशन वाला। कंटिंजेंट लाइबिलिटी को कब रिकॉग्नाइज करोगे? रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्या? नहीं करोगे तो क्या करना है? डिस्क्लोज अनलेस रिमोट चांसेस ऑफ पेमेंट, मतलब आउटफ्लो का अगर रिमोट पॉसिबिलिटी, रेयर चांसेस है कि पेमेंट करना पड़ेगा तो डिस्क्लोजर भी जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं तो सिर्फ डिस्क्लोज कर देना कंटिंजेंट लाइबिलिटी को। नेक्स्ट था कंटिंजेंट एसेट्स। कंटिंजेंट एसेट्स क्या होते हैं? कि पॉसिबल एसेट्स है, ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस में मुझे मिलेगा। ठीक है, तो प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वर्चुअली सर्टन हो गया तो फिर क्या वो कंटिंजेंट रहा? नहीं, फिर तो वो एसेट बन गया है, फिर उसको क्या कर लेना? रिकॉग्नाइज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो ये तीनों का केस में रिकॉग्निशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोविजन के रिकॉग्निशन में तीन कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन में क्या था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो प्रोबेबल और एस्टिमेशन। कंटिंजेंट लाइबिलिटी के रिकॉग्निशन में क्या था? डिस्क्लोज करना है अनलेस चांसेस रिमोट है, और कंटिंजेंट एसेट के रिकॉग्निशन में क्या था? रिकॉग्नाइज नहीं करना है, अगर वर्चुअली सर्टन हो जाए तो रिकॉग्नाइज कर दो। ठीक है, तीनों का रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट था, ये छोटे से चार्ट से भी मैंने बताया है। ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है, आउटफ्लो प्रोबेबल है, एस्टिमेट कर पा रहे हो तो प्रोविजन है, इसमें से एक भी नहीं है तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी। रिइंबर्समेंट, अगर मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, मुझे किसी चीज को प्रोविजन बनाना पड़ेगा, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे किसी ने वादा किया था कि ये वो रिइंबर्स करके देगा, तो अगर ये रिइंबर्समेंट का पैसा मुझे मिलेगा ये वर्चुअली सर्टन है, तो रिइंबर्समेंट को मैं एज अ एसेट दिखा दूंगा, प्रोविजन भी दिखा दूंगा, एसेट भी दिखा दूंगा, इसको पीएनएल में ऑफसेट कर सकते हो, लेकिन बैलेंस शीट में प्रोविजन और एसेट को ऑफसेट नहीं करना है। प्रोविजन अलग से दिखनी चाहिए, एसेट अलग से दिखना चाहिए रिइंबर्समेंट का। ठीक है, देखो उन्होंने बोला हुआ है रिइंबर्समेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एसेट। ठीक है, प्रोविजन से ऑफसेट नहीं करना है, सिर्फ इनकम और एक्सपेंस तुम ऑफसेट कर सकते हो, और कब रिकॉग्नाइज करना है? अगर वर्चुअली सर्टन है तो। लाइबिलिटी से ज्यादा एसेट नहीं होना चाहिए, जितना खर्चा हुआ उतना ही रिइंबर्समेंट हो सकता है। ठीक है, ये था अपना रिइंबर्समेंट वाला पार्ट। चेंजेस इन प्रोविजन, मैंने प्रोविजन बनाया था ये सोच के कि आउटफ्लो होगा, लेकिन आउटफ्लो अभी होने ही नहीं वाला, तो प्रोविजन का काम ही नहीं है, उसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। यूज ऑफ प्रोविजन, जिस काम के लिए बनाया गया है उसी के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग का एक छोटा सा पार्ट बोला हुआ है इसमें एंड में। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब मुझे बिजनेस में चेंजेस करने। चेंजेस मतलब क्या? एक लाइन ऑफ बिजनेस में बेच रहा हूँ, या तो कोई बंद करके नया खोल रहा हूँ, या रिलोकेट कर रहा हूँ, तो इसको रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। मैनेजमेंट चेंज कर रहे हो तो ये रीस्ट्रक्चरिंग में खर्चा होने वाला है, तो अभी इस खर्चे को क्या करूँ? प्रोविजन बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, ये क्वेश्चन था। तो प्रोविजन बना सकते हो, लेकिन प्रोविजन की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तीनों कंडीशन अगर होगी सेटिस्फाई तो बना सकते हो। तो तीनों सेटिस्फाई कब होगी? जब कमिटमेंट टू सेल आ जाए। कमिटमेंट कब आएगा? अगर बाइंडिंग सेल अग्रीमेंट एंटर हुआ है, बाइंडिंग सेल अग्रीमेंट एंटर हुआ है तो उस केस में कमिटमेंट आ गई, जैसे या फिर तुमने अनाउंस कर दिया है लोगों में कि ऐसे ऐसे होने वाला है, तो कमिटमेंट आ गया है। कमिटमेंट आ गया है तो प्रोविजन बना दो, लेकिन इन सब का प्रोविजन नहीं बनाना पड़ेगा। तीन चीज़ों का प्रोविजन उन्होंने बोला है मत बनाना। किसका? रीट्रेनिंग ऑफ स्टाफ का, मार्केटिंग का, या न्यू सिस्टम खरीदने वाले हो तो उस चीज़ का तुमको प्रोविजन नहीं बनाना है, और लास्ट में डिस्क्लोजर दिया है। तो ये AS इसी के साथ होता है ख़त्म। ठीक है।